रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका ये संस्थान लगातार कुछ न कुछ बच्चों के लिए इनोवेटिव करता रहा है। इसी कड़ी के अंदर जो बच्चे 11 ट्वेल्थ में फाउंडेशन करना चाहते हैं या 2023 के अंदर जेट, ICAR, BHU, NEET, JEE इनका एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए आपका ये संस्थान बहुत ही ज़बरदस्त एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है, जिसके अंदर आप फ्री के अंदर संस्थान में कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर नाममात्र फीस के अंदर जो है आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हो, सपने अपने पूरे कर सकते हो एक बेहतरीन स्टाफ के साथ, बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में, जो कि ऑल इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पेशली साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने AG बायो मैथ्स से 11 ट्वेल्थ किए हैं या फिर जो 11 ट्वेल्थ में AG साइंस बायो मैथ लेना चाह रहे हैं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे के पूरे वीडियो के अंदर अपन पूरी डिटेल में जानेंगे कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब तक आपको एडमिशन लेने होंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो वो बच्चे जो साइंस लेना चाहते हैं या साइंस से रिलेटेड है, जैसे यदि कोई बच्चा 10th से 11th में आना चाह रहा है और 11th में एग्रीकल्चर, बायो और मैथ तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब है यदि बायो और मैथ है तो बायो वाला बच्चा नीट की तैयारी करेगा, मैथ वाला बच्चा JEE की तैयारी करेगा, एग्रीकल्चर का जो बच्चा है वो JET, ICAR, BHU की तैयारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बायो और मैथ वाले बच्चे एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम इन फ्यूचर दे सकते हैं। अब है यदि कोई बच्चा 11th साइंस का है तो वो 12th के लिए जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है और इस टेस्ट में भाग ले सकता है। यदि आप 12th पास आउट है, आपने 12th कर लिया है, तो वो बच्चा जो है लॉन्ग ईयर के लिए एलिजिबल होगा, लॉन्ग ईयर के लिए वो जो है पार्टिसिपेट टेस्ट में कर सकता है, ठीक है। अब सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि 10th पास बच्चा है तो उसके लिए 10th क्लास का सिलेबस रहेगा, 11th में एडमिशन हो जाएगा। यदि बच्चा 12th में आना चाह रहा है तो 11th कोर्स पढ़ के आया है तो 11th क्लास का जो उसका साइंस का सिलेबस रहेगा। अगर बच्चा 12th पास कर चुका है, लॉन्ग ईयर में एडमिशन लेना चाहता है तो 11th और 12th दोनों क्लास का सिलेबस उसमें मर्ज रहेगा। अब रही बात यहाँ पे ये कि सर मैं तो AG का हूँ तो क्या मुझे बायो और केमिस्ट्री वो वाली आएगी क्या मुझे, नहीं। यदि आप AG के हो तो AG से रिलेटेड पेपर है, अगर आप बायो से रिलेटेड हो तो बायो से रिलेटेड इसको अपन यूं बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा 12th बायो से है तो वो PCB से पेपर देगा या PCM से देगा मैथ वाला, और ABC से पेपर देगा आपका एग्रीकल्चर का बच्चा। इसी तरीके से जो है आपका 12th वाला जो बच्चा है 11th से 12th में आ रहा है उसके लिए भी इसी तरीके के अलग अलग सेगमेंट रहेंगे, और जो बच्चा 10th का है उसका पेपर कॉमन होगा, एक ही पेपर कॉमन होने वाला आपका। अब अपन आगे चलते हैं। सर एग्जाम की डेट क्या है, तो 21 जून का हमने ये पेपर रखा है, 21 जून को आपका ये पेपर होगा। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो पूरे भारत के, चाहे आप देश के अंदर किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप हमारे यहाँ ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। जैसा कि आपको पता है हजारों बच्चे जो है इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, आज 75,000 प्लस जो है बच्चों ने रॉयल का ऐप डाउनलोड कर रखा है, किसी न किसी कोर्स में बच्चों ने अपना एनरोलमेंट करा रखा है। तो आप देश के किसी भी कोने से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हो। एग्जाम का पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ रहेगा, जिसके अंदर सही करने पर आपको +4 मार्क्स मिलने वाले हैं और गलत करने पे आपको -1 जो है आपके जो है कट जाएंगे। मीडियम जो है पेपर आपका हिंदी मीडियम का सेपरेट पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट पेपर होगा। एग्जाम का टाइम क्या है, तो 2 घंटे का आपका पेपर है, जो सुबह 8 से शाम को 8 बजे के बीच में आपका पेपर चलने वाला है। इस दरमियान आप कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक बार आप पेपर देना शुरू कर दोगे तो आपको उसमें 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चन आएंगे। सर एग्जाम की फीस कितनी है, तो ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पे आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपकी मैनेजमेंट टीम आपको बता देगी। रिजल्ट जो है इसका जस्ट अगले दिन जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, 22 जून को जो है इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है कि सर पेपर देने के लिए क्या करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपके वहां एक बेज का ऑप्शन आएगा, बेज के अंदर जाओगे आप तो वहां पे स्कॉलरशिप टेस्ट और डेट 21 जून दी हुई मिलेगी, वहां पे आपको जाके अपना टेस्ट देना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, आप हमारा रॉयल का ऐप डाउनलोड करें। नेक्स्ट जो है कि सर हमें
अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो है ऑनलाइन बैच के लिए, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले। इसके अंदर आपको 10,000 रुपये जो है हमारे ऑनलाइन बैच का जो है चार्ज है, 10,000 रुपये है। और बता देता हूँ मैं, इस साल हम आपको इस फीस के अंदर हमारा स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचाएंगे। हम आपको इस फीस के अंदर ही हमारा स्टडी मटेरियल लगभग हमारी 10 बुक है जो आपके घर तक पहुंचाएंगे, जिसका अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी फीस के अंदर आपके घर तक स्टडी मटेरियल पहुंचेगा, ठीक है। तो 10,000 रुपये हमारी फीस है। अब अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 1 से 5 रैंक लेने पर बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपके रेंज 6 से 20 तक है तो आपको 50% छूट रहेगी। आपके 21 टू 50 है तो आपको 20% छूट मिलेगी, और 50 प्लस वाले सभी बच्चों को 10%, यूं कह सकता हूं। यदि आप यह टेस्ट देते हो तो आपको 10% फीस में छूट तो मिलने वाली है, साथ में आपको स्टडी मटेरियल आपके घर तक आएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ये हमारे इंग्लिश मीडियम का है। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि यदि आप लॉन्ग ईयर बैच में एडमिशन ले लेते हो, ऑनलाइन ले लेते हो, बाद में आपकी इच्छा हुई कि सर मैं ऑफलाइन आना चाहता हूं, कहां आना चाहता हूं, ऑफलाइन बैच में, तो ऑफलाइन बैच में आप जब भी आओगे तो ऑनलाइन जो फीस अगर आप जमा करा देते हो वो आपकी ऑफलाइन फीस में से कम हो जाएगी। आई बात समझ में? इसका मतलब है यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं रॉयल में 1 साल तैयारी करूंगा और मैं जो है तैयारी करना चाहता हूं और मैं नवंबर में जाना चाहता हूं, तो वो अभी कोर्स ज्वाइन कर ले ताकि नवंबर में जब भी आएगा वो फीस उसकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। आई बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं। आगे है जो बच्चा 11th फाउंडेशन, 11th के साथ में यदि आप JTAGR BHU नीट JEE की तैयारी करना चाहते हो तो केवल 10,000 रुपये चार्ज है, और इसमें भी अगर आप रैंक लेके आते हो तो आपको यही आपको छूट मिल जाएगी। इसमें भी सेम केस है कि 11th ऑफलाइन में अगर आते हो और पहले ऑनलाइन आप ले लेते हो कोर्स, तो आपकी ऑफलाइन की जो फीस है उसमें से ये फीस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे सेम 12th विद फाउंडेशन की बात करूंगा मैं, जिसके अंदर भी सेम स्कॉलरशिप है, मात्र 10,000 रुपये हम चार्ज ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको पूरी क्लासेज लाइव मिलने वाली है। और यहाँ पर भी अगर आप अभी ऑनलाइन ले लेते हो और बाद में ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो फीस आपकी जो है ऑफलाइन बैच में एडजस्ट हो जाएगी। अब कि सर हम चलो हम आपका कोर्स तो ले लें, लेकिन हम क्यों ले, हमें क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं सभी आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेज मिलने वाली है। एग्रीकल्चर की 4 फैकल्टी, बायोलॉजी की 4, केमिस्ट्री की 4, इस तरीके से आपको अलग अलग स्टाफ यहाँ पे पढ़ाएगा। जबरदस्त हमारी फैकल्टी है, आप एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आएगी। कई बच्चों के 10th में कम परसेंट मिल जाते हैं तो यूं लगता है कि यार हम साइंस ले नहीं ले, अगर ले तो क्या पता हमारे समझ में आए कि नहीं आए। आप निश्चिंत होकर संस्थान के साथ जुड़ सकते हो। इस बार अगर आप 2022 का हमारा रिजल्ट देखोगे तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 50% से कम है, कौन सी क्लास में, 10th क्लास के अंदर 50% से कम है, लेकिन 12th में उन बच्चों के 80% से ऊपर, 75% से ऊपर, और कई हमारे पुराने ऐसे बच्चे भी है जिनके जो है 52-53-54% है, लेकिन वो बच्चे जो है 90 से ऊपर लेके आए। इसलिए किसी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है, साइंस से घबराने की जरूरत नहीं है। आप सहर्ष साइंस के साथ जुड़ सकते हो, रॉयल टीम के साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो ये पूरा कोर्स क्लासरूम से लाइव होगा, इसके बाद में ये लाइव क्लासेस रिकॉर्ड भी हो जाएगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हो। आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज शीट, ये आपको इसकी जो है हार्ड कॉपी भी मिलेगी, आपके घर तक पहुंचेगी। एक्सरसाइज शीट, डाउट क्लासेस आपको इसके मिलने वाली है, संडे के टेस्ट, टेस्ट सीरीज और पुराने पेपर, ये सब फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप ऑफलाइन आते हो तो सभी चीजें आपको ऑफलाइन मिलेगी, अगर आप ऑनलाइन आते हो तो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। यदि बच्चा कोई ऑफलाइन आता है यहाँ पे तो उसको सबसे पहले जबरदस्त हमारा कैंपस मिलने वाला है, एसी कैंपस है। जैसे आप क्लास में जाओगे तो आपकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस होने के बाद में जैसे आप क्लास में जाओगे तो आपको व्यवस्थित, बहुत सुव्यवस्थित क्लासरूम मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको पैनल बोर्ड मिलने वाले हैं, जो डिजिटल बोर्ड जिसको अपन आजकल बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड मिलेंगे। वहां पे आपको पैनल पीडीएफ, मतलब जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी ऑनलाइन बच्चे को अवेलेबल हो जाएगी। ऑफलाइन बच्चे को एक एक चीज को लिखाया जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चा ऑनलाइन जुड़ता है उसको भी हम, क्योंकि वो ऑफलाइन क्लास ही लाइव होती है हमारी, तो आप एक एक चीज लिखते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे मैं क्लास में बैठा हूं। इतना होने के बाद में आपकी क्लास होगी, फिर आती है फैकल्टी, जो कि मैंने आपको बता दी, क्लास के अंदर एक नंबर स्टाफ आपको पढ़ाने आएंगे, जबरदस्त पढ़ाते हैं सब, आप उनकी क्लास लेके देख सकते हो। इतना काम होने के बाद में, हमारे पढ़ाने के बाद में, ऑफलाइन बैच में भी ये DPP एक्सरसाइज शीट मिलती है, बच्चा घर जाके प्रॉब्लम सोल्व करता है, नेक्स्ट डे आते ही प्रॉब्लम पूछता है। पूछने के बाद में बच्चों के रेगुलर टेस्ट होते हैं, और जो बच्चे फाउंडेशन में है उनके टेस्ट जो है एक संडे को सब्जेक्टिव और एक संडे को ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट से अपने को ये पता चलता है कि बच्चा कैसा लिख रहा था, कि बोर्ड में कैसे नंबर आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में यूं
पता चलता है कि कंपटीशन क्लासेज के अंदर इस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। टेस्ट होती है उसकी ओमार शीट जो है आपकी जो है यहाँ पे हम शो करते हैं। इसके बाद में ओमार शीट के ऊपर बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो नोटिस बोर्ड पे हम रिजल्ट लगाते हैं, उनका टेस्ट हमारे ओमार शीट पे होते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है तो बच्चों के आजकल टेंशन होती है कि क्या पता मेरा होगा नहीं होगा, या फिर मेरी जो रैंक आ रही है उससे मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा कि मैं क्या कर पाऊंगा। बच्चे घबराते हैं, डर भी लगता है, ये बात सही है। लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर लगातार मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, लगातार हम बच्चों को गाइड करते हैं और उसका नतीजा ये रहता है कि बच्चे कभी टेंशन नहीं लेते, ना हम लेने देते हैं। अभी हमने 5 जून को जबरदस्त मोटिवेशनल सेमिनार रखा साकार 2022, आप उसको यूट्यूब पे जरूर देखना, आपको खुद को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला उससे। अब ये होने के बाद में बच्चे अगर मान लो उदयपुर में आते हैं और पेरेंट्स की चिंता रहती है कि सर हम रख दे लेकिन बच्चे को रखेगा, तो हमारे हॉस्टल में आप बच्चे को रख सकते हो। हमारे पास बहुत जबरदस्त हॉस्टल है, जैसे मान लो ये हॉस्टल है हमारा सक्षम। इस हॉस्टल की मैं आपको खासियत बता दूं, यहाँ हर रूम अटैच लेट बाथ है, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी। अगर मैं बात करता हूँ सर्दियों की, तो नहाने के लिए गर्म पानी, आरओ का पानी एनी टाइम अवेलेबल रहता है, पीने का सर्दियों के अंदर गर्म पानी अवेलेबल रहता है। कुल मिला के एक घर जैसा माहौल बच्चों के लिए हम रखते हैं। एक नंबर खाने की व्यवस्था बच्चों के लिए हॉस्टल में रहती है, एक नंबर अनुशासन बच्चों के लिए रहता है। पूरे कैमरे हमारे जो है पूरे कैंपस के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जबरदस्त मैनेजमेंट है, बच्चों को लगता ही नहीं कि हम घर से दूर आए हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली पेरेंट्स से चाहता हूँ कि कहीं पर भी अगर देश के अंदर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं और ऑफलाइन अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो एक बार हमारे रॉयल संस्थान को आप जरूर विजिट करें। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, इन्हीं का नतीजा है कि रॉयल संस्थान लगातार बेहतरीन रिजल्ट देने में कामयाब रहा है। आप देखो हमारे इस बार हमने बायो और मैथ के जो बेच लॉन्च किए थे उनमें बच्चों के 100 में से 100 नंबर मैथ में आ रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट बच्चे देने में कामयाब रह रहे हैं। इसके अलावा आईसीआर के अंदर लास्ट सेशन में हमारे करंट 2021 में 200 से ऊपर बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए। मैं बात करता हूँ जेईटी के रिजल्ट की, जेईटी के अंदर 2021 में कृषि विज्ञान से हमारी फर्स्ट रैंक रही, अलग अलग वर्ग के अंदर 8 बच्चे टॉप 10 में रहे। जितने भी सरकारी कॉलेज है उनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड हमेशा रॉयल संस्थान अपने पास में रखता है, इस बार भी हमारे पास में रहा। और मैं आने वाले टाइम में भी बता देता हूँ बहुत जबरदस्त संस्थान ये रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट पे बच्चे के लिए काम करते हैं और स्पेशली रिजल्ट जो है वो उसमें स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो हमारी टॉपिक वाइज फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट के चार जो टीचर्स हैं वो इतना गजब का अपने सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाने जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि एक सामान्य दर्जे का बच्चा आईसीआर जैसे एग्जाम को क्रैक करने में कामयाबी हासिल करते हैं। मैं आपसे विशिष्ट आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अलावा भी जिन बच्चों के साइंस, मैथ और बायो में कोई बच्चा है और यदि उसके 10th क्लास में 95% से ऊपर है तो वो बच्चे जो है बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं कि बैच कब से चालू होगा, तो हमारा लॉन्ग ईयर बैच 22 जून से सिस्टमेटिक चल जाएगा, 22 जून से हमारी प्रॉपर क्लासेज चालू हो जाएगी। 11th फाउंडेशन बैच भी जो है हमारा 22 तारीख को चालू हो जाएगा, 20 और 21 को एडमिशन चलेंगे। 12th फाउंडेशन बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं और 22 तारीख को उनके न्यू बैच चालू होंगे, हालांकि एक बैच 12th फाउंडेशन का 15 तारीख को भी चालू होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। इसके अलावा संस्थान के द्वारा रोज एक बच्चे को फ्री कोर्स दिया जाता है, सुबह 7 बजे 5 मिनट के लिए टेस्ट होता है, उसमें जो बच्चा टॉप करता है उसको फ्री में कोर्स मिलता है। आपसे पुनः निवेदन करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इस संस्थान के साथ जुड़े, आपके लिए संस्थान हमेशा की तरह और लगातार प्रयासरत रहकर ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा करने का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।